चलो जी क्या पे वाली थी ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे हे गाइस गुड मॉर्निंग तो वेलकम बैक है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी तक जिसने मेरा पुराना ब्लॉग नहीं देखा तो जाके मेरा पुराना ब्लॉग देखें और कमेंट करें कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा। तो आज हमारा प्लान है कि कहीं बाहर जाने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी देर तक कार को वॉश करते हैं और खाना वगैरह हो चुका है, मैं खेत भी जाके आ चुका हूँ। और सुबह सुबह हमारा ये आ गया था पार्सल, ये किसी ने मंगवाया था मेरे से। ओपन तो कर लेते हैं बट दिखा नहीं सकते किसी का है ये, पर ओपन मेरे को करना पड़ेगा। मेरे से मंगवाया मैंने एक और जो पार्सल वाले भाई आए थे ना उनकी स्पेक्स देखी मैंने, मतलब चश्मा वो बहुत ही अच्छी थी शेड्स, तो मैंने उनसे लिंक लिया है और शेड्स ऑर्डर करेंगे वो वाले। तो पहले इसको देख लेते हैं कैसा है ये। तो अभी पार्सल मैंने ओपन कर लिया था, सब कुछ ठीक है, मैंने चेक करके देखा है। तो अभी बन रही है इधर चटनी, मम्मी ने हेयर वॉश किए हैं, टॉवल ले रखा है। तो अभी बन रही है इधर चटनी कूडे डंडे में, अम्बियाँ प्याज पुदीना हरी मिर्च डाल के ये बन रही है। तो चटनी की रेसिपी किसी और दिन शेयर करेंगे, मम्मी ने पहले ही सब कुछ डाल दिया था। तो बताना जब अब बनेगी ना आगे तब बता दूंगा मैं आपको। नहीं तो अभी बज चुके हैं 3:30 और अभी रेस्ट करके जस्ट अभी उठा हूँ मैं और अभी नहा के रेडी होके चलते हैं फटाफट, आज बाहर कहीं घूमने के लिए चलना है। तो चलो आपको ले चलते हैं, कोई मस्त सी लोकेशन आपको दिखाते हैं। तो फटाफट अब रेडी होते हैं। तो गाइस अभी हम हो चुके हैं रेडी, तो आज हम कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मतलब लोकली कहीं पर। तो चलो अब 4 बजे निकलने का प्लान था, अभी 3:50 हो चुके हैं, अब चलते हैं। और अभी ये आज की मेरी लुक है। चंगा जी ये हो घूम आइए फिर, अब मिलते हैं पापा को, जाने से पहले मैं मिल के जाता हूँ। गाड़ी करते हैं अनलॉक, और सॉरी लॉक हो गई, और हल्का सा 5 मिनट पहले ही इसको स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना तो भगवान का शुक्र करता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक स्कूटर होता था और उसी स्कूटर पे हम सभी नानी के और बुआ के जाते थे। बहुत मुश्किल होती थी, मतलब 4 जने एक स्कूटर पे, कभी कभी तो हम मतलब एक जना घर पे रहता था। तो जब भी मैं गाड़ी निकालता हूँ पहले भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि हम गाड़ी हमें आपने दी है, और ये हमें हमारी नहीं होती, ये भगवान की दी हुई होती है चीज़ कि हम इसको यूज़ करें। चलो अब लेट ना हो जाए, चलते हैं अब आगे। तो अभी हम पहुँच गए हैं नंगल, नंगल में जो कंस्ट्रक्शन चल रही है ना अभी भी मेरे को लगता है ये 4-5 साल नहीं जाती यहाँ से, काम करने वाले बंदे ना 4-5 साल इनके यहीं पे लगेंगे, क्योंकि अभी बहुत काम पड़ा हुआ है। ये वाला जो यहाँ से अभी मैं ब्रिज के नीचे से मतलब आया हूँ वो तो शायद चल पड़ेगा, आगे वाला देखते हैं अब कब चलता है। और अभी हम अपने सुंदर से डंगल डैम में पहुँच चुके हैं, और बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छी, मतलब यहाँ से जब रात को आप चलते हो ना हवा आती है और पानी भी हल्का हल्का आता है, बहुत ही अच्छा लुक मतलब उस टाइम लगता है जब आप बाइक पे यहाँ से गुजरते हो। तो अभी उनकी मैं वेट कर रहा हूँ और अंकुश जी आने वाले हैं 10 मिनट में, मीटिंग पॉइंट था वहाँ पे वो पहुँचने वाले हैं। मैं घर नहीं गया तो क्योंकि वो अगर घर जाता हम लेट हो जाते बहुत, यहाँ पे हमने जाना है। तो फाइनली अंकुश जी आ चुके हैं और अभी बज चुके हैं 5:12 और गर्मी भी बहुत है आज, अभी थोड़ी सी हल्की सी धूप कम हुई है। लो जी अंकुश जी आ गए हैं, गाड़ी अनलॉक कर दें, आज पूरी ब्लॉगिंग हो रही है वो भी गोप्रो से हो रही है जी। और क्या हालचाल? और ठीक है जी, तू इस रहो और मेरी पे नहीं जी। और नहीं नहीं यार, हाथ में लाया करो, बड़े ने बड़े रहना महाराज। नहीं हाथ में लाया करो, और बढ़िया और सब बढ़िया। चलो जी चलो, कहां लेके जा रहे हो? यहां आप कहोगे ले चलो फिर, है ना? चलो फिर पहुंच के आपको बताते हैं। चलो जी
आज ब्लॉगर होते तो फायदा होता है, एक गाड़ी चलाता है एक ब्लॉग बनाता है। मैंने कहा विशाल ले आओ मैं तुम्हारा ब्लॉग बनाऊं, और गाड़ी देख के ना मेरे को बढ़िया लगा, ये गाड़ी में तो ऑटोमेटिक गियर है ना, है ना, आराम के साथ यहाँ मर्जी निकल जाओ, ये है बस रेस देनी है, रेस देनी है, ले लगा ले चलो इसको। नहीं चल पहाड़ियों में भी बिल्कुल चलते है, ऐसा नहीं है। जब हम मतलब मैंने धर्मशाला कांगड़ा गए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें। मैं गियर वाली गड्डी ले गया सी, मैंने इतनी गड्डी आंदी भी नहीं सी चलानी पैंदी हूं, मैं तो पता नहीं कितने कितने बाटती सी, इतना हाथ नहीं खुले, मतलब मैं मतलब जिगरा जिहा रखता सी। मैं तो नेक्स्ट गड्डी भी हुण ऑटो ही लेनी है, नजारा बड़ा मैनू अपनी जगह है। नहीं 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 वो तो गल छोटी सही है, कौन खच खच करिए, वो भी गल सही है, ऑटो गड्डी दा ऑटो गड्डी आराम ना चलाओ। बट हमारे ना इस एरिया में इतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि इतना ट्रैफिक नहीं होता, ये तो अभी ब्रिज वगैरह बन रहा है उसकी वजह से होता है, अदरवाइज तो बहुत खुले डुल्ले, क्या कहते हैं मिनी चंडीगढ़ कहते हैं हमारे इस एरिया, हां अनंगल को तो हमारे मिनी चंडीगढ़ तो हम कह सकते हैं, कहां रहते हैं हम चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन छोटा है उसका भाई है और शांत भी है पूरा। हां जी ने हमारे रास्ता चल चल रास्ता ब्लॉक कर दिया एकदम से, ऊपर आ गए, मैंने कहा गाड़ी में बैठना है पता नहीं इन्होंने, ये भी पूरी फैमिली हमारे साथ जाना चाहती थी। विशाल जी जब आप ब्लॉगिंग करते हो ना आप बोला करो, मैं कम बोला करो क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता, सब पता क्या बोलते हैं, खुश आ जाते हैं, बोलने नहीं देते कि उसका ब्लॉग है उसको बोलने दो, मैं चुप, चलो चुप। वैस रास्ते में ये देखो बनाना का ट्री लगा हुआ है, कच्चे हैं सब्जी बना सकते, तोड़ के ले जाए लोग आके डंडे लेके कुत्ते जोड़ देंगे, कुत्ते पकड़ लेंगे हमें तो, कच्चे हैं लगे हुए ना। तो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे, आपको हल्की हल्की लोकेशन के पीछे ये वोटिंग वगैरह दी हुई है। हाँ जी आज हमारी प्री वेडिंग शूट है, यहाँ पे बहुत सारी प्री वेडिंग शूट्स होती है। हाँ चलो जी मोमोज खाते हैं आज, तो यहाँ पे ही है ये बेस्ट लोकेशन है, और वहाँ यहाँ पे प्री वेडिंग शूट होती है, वो आपको आगे दिखा देते हैं हम। एक प्लेट में कितने पीस है, यहाँ पे मोमोज बहुत बढ़िया है। तो गाइस अभी हमारे मोमोज लग रहे हैं और देख सकते हो क्या नज़ारा है और क्या लोकेशन है यहाँ की, और यहाँ पे देख सकते हो स्विमिंग पूल भी है, पूरे फाइव स्टार का भी फीलिंग आती है, स्टे कर सकते हैं, स्टे करें फिर आज, फिर आज हाँ जी, तो कपड़े भी लेके स्पेशल ब्लॉग किसी दिन स्पेशल आते हैं बट व्यू देख सकते हो, आगे लेके चलते हैं आपको, व्यू बहुत ही अच्छा है, और ये होटल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे सी रॉक, और इधर हमारे हो रहे हैं मोमोज तैयार। अभी स्टीम बस आप वेट करो, आगे आगे आपको देखने को मिल जाएगा, जल्दी हम यहाँ पे आने वाले हैं प्री वेडिंग शूट के लिए, अंकुश जी को साथ में लेके आएंगे। मेरा नहीं होना प्री वेडिंग शूट, मेरा पता नहीं क्या होगा, पोस्ट वेडिंग होगा, पोस्ट वेडिंग करवा देंगे आपको, प्री वेडिंग रह गई था, कुछ चीजें रह जाती है ना, फिर भगवान कहते हैं कि ये चीजें रह गई, बाद में पूरी कर, बाद में पूरी हो सकती है। हाँ जी वाह अंकुश जी ने न्यू कार ले ली है, कंग्रेचुलेशंस आपके लिए बहुत बहुत। मेरे को ना यही कार लेनी पड़ेगी क्योंकि जो मेरे घर पे I20 है ना वो तो लग जाती है, कुछ ना कुछ डर रहता है, मेरे को लगता है इसको कोई नुकसान ही नहीं, ये लगी लगाई है, देखने में नहीं लग रही अंदर से, हाँ देखो इसका क्या हो रखा है, यहाँ पे इसको कट कर रखा है, एसी ना म्यूजिक सिस्टम कुछ भी नहीं, ये 5 स्टार है, जहाँ मर्जी इसको ठोक दो, और है भी रंग भी बड़ा अच्छा है इसका, फोटोशूट हमारी दोस्ती वाला। हाँ चलो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हमारी मेरी बनती है, कहाँ पे, अच्छा जी चलो जी कहाँ जाना आपको, यहाँ पे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, क्या कौन सी होती है ये स्टोरी, मेरे को नहीं याद कौन सी जोड़ी थी गाइस, आप कमेंट करके बताना, भूल गए हम है ना, छोले फिल्म वाली, हाँ आई थिंक, नहीं छोले फिल्म नहीं थी कोई और थी, गब्बर गब्बर वाला सीन था उसमें, छोले मूवी है गब्बर वाले सीन में, उसमें डाटा केबल तो लगी नहीं, नहीं डाटा केबल नहीं है, हम नहीं है, ब्लूटूथ वाली है, क्या बात है गाइस, ये ना अपना क्या कहते हैं विशाल जी ना सेल्फी स्टिक यूज किया, डाटा केबल लगी नहीं, मैंने डाटा केबल तो लगी है, ऐसे कैसे हो रहा है, ये हमने ब्लूटूथ लगा रखा है, और हम ना स्पेशली यहाँ पे आए वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, अच्छा अच्छा कंटेंट पे आपको, और विशाल के चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए,
और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए, मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए बस। और आपको हमारी ये फ्रेंडशिप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये फ्रेंडशिप लंबी चलनी चाहिए और इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए पूरा। और हमने स्कूटर पर चेक कर लिया है, कभी हम इधर बैठ जाया करेंगे, कभी विशाल चला लिया करेंगे, पर मेरे को ये सीट सबसे अच्छी लगी है ना, इसमें तो सो भी जाओ। और स्कूटर चलाते चलाते हम अपने मोमोज भूल गए थे और ऑर्डर हमारा आ चुका है। इसकी स्पेशल जेवरी चटनी रेड वाली बहुत बड़ी होती है और बिल्कुल फ्रेश बने हुए अभी। आगे बताते हैं इसकी फीलिंग तो देखो क्या जबरदस्त वाली है। तो गाइस विशाल का ब्लॉग है, खा के हम बताएंगे। या टेस्टी बने हुए हैं, चलो अब हम भी ट्राई करते हैं ना। आपने खुद डिफरेंस देखोगे कितना बढ़िया है। मेरे को तो ना ये मेयोनीज अच्छी लगती है, रेड सॉस नहीं। रेड सॉस खा के तो देखो तारे जमीन पर आ जाएंगे। है ना बढ़िया। यहाँ के गोलगप्पे भी बहुत बढ़िया है, हैंडमेड है, ये तो सॉस ही होती है ज्यादातर, तो बड़ी सही है। स्पेशली शेफ बनाते हैं इसको, कुक नहीं शेफ। तो इसकी ये स्किन भी बड़ी सॉफ्ट है, सॉफ्ट है और पतली है लेयर। मैंने तभी बोला कि पहले मोमोज खाते हैं और मोमोज खाने के बाद यहाँ पे अच्छे से घूमते हैं, क्योंकि जब तक कुछ खाया नहीं तो घूमेंगे कैसे। बट ज्यादा थोड़ा सा चिल्ली ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, तो मिर्च में कम करता हूं। जो चिल्ली पसंद करते हैं उनके मुंह में तो पानी आ गया होगा, बहुत स्पाइसी के लिए बहुत अच्छा है ये, कुछ मीठा हो जाए। मैं खा लिया आपको देगा कुछ मीठा हो जाए डेयरी मिल्क। वाह जी वाह, कितना सोना स्विमिंग पूल है, है भी मतलब ये बड़े वाला, वो छोटे वाला बच्चों के लिए वो अलग बना हुआ है ना, है भी बिल्कुल साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन। कोई बात नहीं, वाटर प्रूफ है, गिर गया तो उठा लेना। तो गाइस देख सकते हो कागतों वाली मशीन, पंजाबी कल्चर होता था ना कुन्नू मामा जी के घर, तो वहाँ पे दिवाली के नजदीक पटाखे होते हैं, हमें पटाखे नहीं चलाने देते थे, इनको आग लग जाएगी। और लगती थी आग, बहुत लगती थी, कई जगह जल जाते थे और कई बार तारे होती थी ऊपर, वो स्पार्क करती थी, पूरी का पूरा कुन्नू जल जाता था। ये देखो बच गया, पंजाबी कल्चर हवेली बनी हुई है पूरी सेटअप। चलो जी आ जाओ, पंजाबी चूल्हे चूल्हे रोटियां खिलाइए थानू। हाँ जी अच्छा बैठो, चार पाई दे बोतल खेड़ी चार टोल दे। तो गाइस यहाँ पे फोटो शूट होता है और ये सारा जो ओल्ड पंजाबी कल्चर था और हमारे कच्चे थे, तो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, देख सकते हो आप ये सारा। इधर तूड़ी सच्ची भरी हुई है ना, कुछ रियलिटी भी है, रियलिटी भी है, थोड़ी भरी हुई है और अगर आग लग जाए तो जल जाएगी ये। ये लालटेन हमारा है ना, इसमें क्या है, इसमें भी बस स्टोर बना के रखे हैं वैसे, फोटो शूट के लिए प्रॉपर। ये पेंट की बाल्टियां रखी हुई है कि पेंट करो यहाँ पे, और ऐदा करो विशाल जी छोड़ो भांडे हैगे है, मुर्गा तल लो। हंस रहा हूँ यार, मैं ऐसे मम्मी के साथ भी बात करता हूँ ना। चाय बना रही है, अच्छा चाय बना रही है, चाय क्यों, मैगी बना लो यार, चाय गर्मी बहुत है। बाकी अपना लस्सी ये पता नहीं हजे भी पी हुई, पता नहीं कितों ले आगी, देखो चक के ले इधर रखने वास्ते, पर थले वाला मैं अच्छा है यार, बट है बिजनेसमैन है, पता की है मजा नहीं, पता नहीं कि टूटी चक्की भी पैसे कमाई जाते, लोग फोटो खिंचाई जाते, क्या बिजनेस माइंड है। और हम भी दिखा के कमा रहे हैं, अब तो चेंज होगी सारी, ऑटोमेटिक होगी, जो मशीन वाली आ चुकी है, हाथ वाली तो किसी किसी के पास है अब, मतलब जो पुराने बुजुर्ग होते हैं ना वो यूज कर रहे हैं, हाथ की एक्सरसाइज होती है। हाँ। ऊपर ले चलते हैं आपको, ऊपर भी जाना है, चुवारा तो देखी हुई है ना ऐसी चीजें, क्योंकि पुराने घर हमारे ऐसे ही होते थे, नाइट व्यू इतना बढ़िया आता होगा ना, मून होगा, मून लाइट होगी, क्या सुंदर पहाड़ियाँ लगती होगी, हवा देख लो कितनी अच्छी चल रही है, तो जंगल है भाई, बाघ तो नहीं आ जाता होगा। ओ मुर्गा वो है, वो है, ये तो कह रहा है कि आओ बनाओ मेरे को, पतीली है यहाँ पे, पतीली भी घूमती है, चिल्ला भी है, बस को ये नहीं पता कि हम मैगी वाले हैं। आप करवा रहा अंदर से, को मैंने बताया था कि प्री वेडिंग शूट्स होती है यहाँ पे, तो आपको मैं ये लोकेशन दिखाने के लिए लेके आया हूँ, और मैं अपनी फैमिली को भी
नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा क्योंकि ये पिकनिक स्पॉट भी है बच्चों के लिए भी। अपनी मम्मी पापा को लेके आना यहाँ पे। पापा मेरे बहुत ज्यादा बहुत कम घूमते हैं पापा, बहुत वीडियोस में भी कम आते हैं ना? बहुत पापा कम आते हैं, बहुत अवॉइड करते हैं, बहुत कम बोलते हैं वो। हाँ कम बोलते हैं, बोलते बस तोल के बोलते हैं बहुत समझदारी से। तो अभी हम यहाँ पे लोकेशन पे आए हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, देख सकते हो पीछे ये नज़ारा, पानी ही पानी। और नीचे दिखाता हूँ आपको कुछ ऐसा, बस देख सकते हो यहाँ पे बोटिंग हर तरह की है, छोटे वाली बोट भी है, बड़े वाली भी है, और दूसरी और कलरफुल बोटिंग भी है। चलो अब नीचे ले चलते हैं आपको। और मैंने ना हल्की सी यहाँ पे एक बटरफ्लाई देखी है, देखो ये कितनी अच्छी है ना, ये थी पिन किसी की, पर बटरफ्लाई बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को। आजी वाह, थ्री इडियट सीन यहाँ पे क्रिएट किया जी, फर्स्ट पे आप, सेकंड में मैट, तीसरे पे कौन बैठेगा? मिसाज बंदा, मैंने फ़ोन किया उनको, बहुत बिजी है बट आपको बहुत ही जल्द एक गुड न्यूज़ मिलेगी, वो 3-4 दिन के बाद आपको मिल जाएगी, आपको भी चलना पड़ेगा हमारे साथ फिर। क्या गुड न्यूज़ है? आपको उस दिन पता लग जाएगी। सच में बहुत बार आया हूँ मैंने, LIC की बेटिंग्स होती थी ना यहाँ पे, करवाते होते थे। अच्छा, एक बार पिकनिक करवाया ऐसे, मतलब टापू पे ले गए थे बोट पे उठा के, इधर से जाते थे। आपने फुल एस की हुई है पहले अपने यहाँ टाइम पे? मैंने खुद भी की है और LIC ने भी करवाई है मेरे को। LIC पूरा साथ देती है इनका। बट LIC ज्यादा जीने के ज्यादा फायदे, मरने के बता देती है। LIC का मीनिंग यही है, इंश्योरेंस है ना वो। लेकिन ऐसे नहीं है, बढ़िया है, मतलब कि उसकी जो उसके बेनिफिट समझोगे ना आप, वो सही है। चलो अंकल जी एक एक राइड हो जाए, डर तो नहीं लगता आपको? नहीं नहीं देख लो, डर लग भाई मैंने डर लगी यार। अभी भी बोल रहे हैं कि अब भी डर लगेगा। मैं यार खतरों का खिलाड़ी हूँ। नहीं इधर से नहीं, इधर से आ जाओ। मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ। फ्लावर देखो कितना अच्छा है, खूबसूरत भी है और खतरनाक भी है, मतलब यहाँ पे आपको खूबसूरती दिखेगी वो खतरनाक होगी। ये इसका पूरा डेमो है इसके सामने, आप देखो कंडे लगे हुए इसको। अंकुश जी वर्कआउट हो गया आज का ना पूरा? हुआ अभी तो कम हुआ, ऊपर जाते हुए टाइम बहुत ज्यादा होगा और भी ज्यादा। बट फैमिली आएगी, फैमिली थक जाएगी पूरी, पर मजा भी आएगा फैमिली के साथ आने का। बोट वाले को बोलो ऊपर आ जाए। तो अभी हम नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे बोटिंग होती है, ये सेफ्टी बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, बोट बहुत ही अच्छी और प्यारी लग रही है, सीटिंग कितनी अच्छी है ना इसकी, देख लो। हाँ टाइम तो हो गया, काफी हो गया, हम लेट हो गए यहाँ पे आने के लिए। पैराग्लाइडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी नहीं यहाँ पे? फैमिली के साथ आएंगे तो इसको ट्राई करेंगे पक्का। गहरा हो गया ये, काफी गहरा गया, मतलब शहीद हो सकता हूँ यहाँ पे। यूट्यूब में शहीद कहलाएंगे क्योंकि जंग जा रही है। मेरे साथ आयो मत करना, मेरे को पंगा पड़ जाएगा, घर वाले पकड़ लेंगे, घर वाले नहीं पकड़ेंगे, मौका मिल जाएगा सबको। अच्छा भाई यार करवाओ तो सही, आप हमारे दोस्त बन के फ्री में करवाओ कुछ। का तो कुछ है नहीं अच्छा, मतलब ऐसे कर सकते हैं ना, अगर आप हमें चाबी दे दो हम खुद लगा ले, फिर भी पैसे लोगे आप क्या? नहीं नहीं सर फिर नहीं, फिर तो हम भाग जाएंगे, फिर तो सर नहीं, आप भाई बोर्ड से कहीं निकल सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर सीधा निकल के फिर सर निकल जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं, तेल है इसमें खूब भरा हुआ, टैंकी फुल कर दो। सुनो पता सामने बिलासपुर है ना, बिलासपुर है ना, तो मैं बिलासपुर निकल सकता हूँ, मेरे को तो हर महीने जाना पड़ता है वहाँ पे, आपको एहसान पड़ेगा यहाँ से। अगर बिलासपुर जाना हो तो आप छोड़ सकते हो उधर को? हम नहीं छोड़ेंगे, आप जा सकते। नहीं नहीं वैसे मजाक नहीं, सच नहीं सर, तो कॉस्टली पड़ेगा वहाँ पे, कैसे है ना, मैं आया जलमार्ग से। ए शुक्र करो उड़न उगेर नहीं पाया, बट है ऑप्शन है, हम जा सकते हैं गाइस, पर थोड़ा सा कॉस्ट, फिर भी वैसे एवरेज एस्टिमेट बताओगे क्या चार्जेस होंगे सर? आप जिस मान लो उस बोट में जाएंगे ना सर, 10 मिनट में सर ये जाएगी लगभग 5 किलोमीटर। अच्छा कहाँ बिलासपुर कितना है यहाँ से? तो बिलासपुर तो सर काफी है, पानी में सर भाई इतनी लंबी किसी राइड की नहीं है सर, लेकिन मेरे ख्याल सर कम से कम ये तो 10 किलोमीटर तो होगा ही होगा बिलासपुर यहाँ से। 10 किलोमीटर पानी पानी वाले पानी पानी वाले डिस्टेंस में होगा सर। छोटी सी बोट है भैया, कितने की? 20 लाख की, न्यूजीलैंड से आई हुई है ये बोट, और 20 लाख की है, मैरीन कंपनी की, लिटमिस मैरीन, 20 लाख भाई।
टॉप मॉडल थार आ जाएगी हमारी, है ना, ऑन रोड वाली, बट ये थार से थोड़ी छोटी है ये। किस किस को लोकेशन अच्छी लगी जरूर कमेंट में बताना। गाइस बहुत नीचे जाके है ये जगह, लोकेशन बहुत नीचे है, तो बस हो गई हमारी ऊपर आते आते। जाने टाइम तो बहुत कम टाइम लगा, आते टाइम बहुत टाइम लग गया। आपका दिल बीच में से तीर भाई। अभी मेरे को एक ना जादू का दरवाजा मिला है, तो पहले अंकुश जी को लेके चलते हैं। अंकुश जी आपको उस दरवाजे में सबसे पहले आपको ही मतलब अलाउ करेंगे। नहीं नहीं खुला है, आप चल कर देखो। वाह बगीचा है, गज मतलब इस एरिए से देख लो एकदम से आप नींबू लगे हुए हैं पे। नींबू वाले एरिया में चले जाते हो, भी लगे हुए। जादू वाला वो नहीं होता हाँ जी, फार्मिंग हमारी यहाँ पे भी पहुँच चुकी है। हाँ। की है कद्दू बैंगन भी पहुँच चुके हैं। चलिए जी देखो कितना जादू का वो है, सीधे आप हमारी फार्मिंग में पहुँच गए। यहाँ पे वोन फायर करते हैं यहाँ पे। तो अभी सीजन ऑफ है और यहाँ पे रेनोवेशन वगैरह चली हुई है। तो अंकुश जी बचपन याद कर लो अपना। मैं ना लेग को मैं भी करता हूँ। वो सेल्फी स्टिक कहाँ रह गई हमारी, वो सेल्फी स्टिक कितनी बैठा भी नहीं जा रहा। जोर लगा के और जोर से, लेकिन इतनी जोर से लगाओ कि दूसरी तरफ से निकल जाओ। उठे पंगे पंजाबी के, उठे पंगे। रिलैक्स हो गई लग्स, सही है, लेग्स को रेस्ट मिली। ओ सेल्फी स्टिक पता कहाँ है, आई थिंक मंजे के ऊपर बैठा था ना मैं, आपने मेरे को पकड़ाई थी वहाँ पे होगी। कोई बात नहीं ले लेते हैं अभी, चलो चलो। वैसे हमारी सेल्फी स्टिक गुम मतलब रह गई थी ऊपर, मिल गई है हमें। ये रहा रानी दरबार, जाना नहीं तुम दरवाजे पक्के बंद करते भी नहीं। हमारी ये सेल्फी स्टिक यहाँ पे पड़ी हुई है। चलो जी जी है, नहीं दो हैं, खाली है ना, वेटिंग वेटिंग भी चल रहे हो। लोकेशन कितनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी लोकेशन है ना। चलो जी और आप भी सीट लो मेरे वाली संभालो। ओ गाड़ी कड़ी में गिर गई थी, गाड़ी कड़ी में गिर गई थी। यहाँ पे रेस्ट हो रही है, सुकून। जब तक लोकेशन देख सकते हो आप, पूरी मस्त लोकेशन है एकदम, साथ में लाइटिंग होती है ना। तो पीछे टक्स पीछे है ना, काफी है। चलो दिखाते हैं, तो अभी रिपेयरिंग हो रही है यहाँ पे, रेनोवेशन चल रही है ना। मंडे है आज, सैटरडे संडे ज़्यादा रश रहता है, और अभी मैरिज का सीजन नहीं चल रहा क्योंकि ये पूरी लोकेशन है प्री वेडिंग शूट के लिए। गाइस यहाँ पे कटल, कटल कहते हैं, पता नहीं है पंजाबी कहते कटर, क्या बोलते हैं कुछ जी इसको, कटल, कटल लगा हुआ, कटल का सीजन आ गया। तो चलो आपको डक्स दिखाते हैं, और ही आगे गाइस देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी डक्स हैं, खाने को भी पड़ सकती हैं मेरे को। डक्स देख के कितना अच्छा लगा ना, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसके, उनके ना हमारे उधर भी ना वो व्हाइट वाले, आई थिंक आपने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है वो उसकी रील ना। हाँ, हमारे उस एरिया की वो, हाँ। वो तो बिल्कुल छोटे छोटे से, ये भी नहीं पता कि मेरा घर किधर है। मेरे को कह रहे कि आप किधर से आ रहे हो, मैं इधर से आ रहा हूं, मैंने सोचा कि इधर से आओगे, मैंने कहा उधर से नहीं मैं आता, मेरे को दूसरे वाला रास्ता नहीं ना पता वहां का। हां ऊपर से इधर से चलते हैं। चलो एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको अंदर, और मेरे को मारने को भी पड़ते हैं ये देखो, मेरे को लगता है पूरा परिवार है ये, पानी पी रहे हैं अभी नीचे से घूम के आए हैं ये। ये सेनापति है इनका, देख रहा है, इनको हंस बोलते हैं, हंस ये हंस नहीं होते, हंस अलग चीज होती है, हं, नहीं, बोलते ये, हैं। ये देख रहा है अभी कि हमें मारने के लिए पूरा पड़ेगा ये, हाँ, ये पूरा इसके घर में कर रहा है बाबू, पूरा अटैक कर रहा हो। किसी को अपनी फैमिली प्यारी होती है, चाहे जानवर देख लो, पक्षी देख लो, इंसान को देख लो, है ना। हाँ फैमिली सबको प्यारी होती है अपनी, और उनका फादर था वो सभी का फादर था, पता नहीं क्या था, लेकिन फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहा था कि कोई आए कैसे। ये तो बिल्कुल ना, और होना भी ऐसा चाहिए कि फैमिली के लिए पहले वो, और तो और यहाँ पे घोड़े भी हैं,
घोड़े कहाँ पे? घोड़े दिखाई नहीं दिए, आई थिंक घोड़े गए होंगे घूमने फिरने के लिए। तो गाइस अभी हम आए थे यहाँ पे स्पॉट पे, तो बहुत ही अच्छा और हम घूमे फिरे और एंजॉय किया, फोटोज खींची, रील्स बनाई। मेरे को नहीं बनाए, विशाल जी कहते हैं आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, तो मैंने अभी इनकी 2-3 रील्स बनाई है, आपको भेज देंगे। मैंने कहा मैं आईफोन लूंगा बढ़िया सा, फिर बनाऊंगा। मेरा ना मन नहीं करता क्योंकि 2 बंदे चाहिए, हमेशा हर बार बोलता हूँ। और बस फिलहाल इस वीडियो को यही पेंट करते हैं और मिलते हैं हम आपको नए वीडियो में। होप आप लोगों को ये मतलब वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जल्दी से जल्दी विशाल को अच्छा सा सपोर्ट दीजिए, इसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए। और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय। विशाल का व्लॉग है, मैं एंड कर रहा हूँ। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जाके सब्सक्राइब करें, और आपका बहुत प्यार मिल रहा है, धन्यवाद बहुत बहुत।